हेलो दोस्तों, अपना गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ये मैं आपको ड्रैगन फ्रूट का पौधा दिखा रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी समय पहले 2 महीने पहले लगाया था। 31 फरवरी को लगाया था, शायद 31 फरवरी को लगाया था। इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मैं आपको पौधा जो मैंने ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लगाई थी वो दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसके साथ मैंने 3 उसकी कटिंग लगाई थी गुलाब की, उनमें से एक ने ग्रोथ दिखाई है, बाकी दूसरी सूख गई है। ये मैं मीडियम दिखा देता हूँ आपको। इसमें लगभग 50% कंपोस्ट का यूज़ किया मैंने कटिंग को लगाने के लिए। ये काफ़ी हार्ड पौधा होता है ड्रैगन फ्रूट का, कैक्टस की प्रजाति का पौधा ये है, ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ये मैं इसका वो लंबाई दिखा रहा हूँ। ये लगभग पहले तो इसने ग्रोथ दिखाई नहीं थी, बाद में जब ग्रोथ दिखाई इसने तो ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कुपल इसकी, ये देखिए इतनी लंबी हो चुकी है। ये 15 दिन में इतनी हो गई है और ग्रोथ चालू करने में इसको काफ़ी समय लगा है। 2 महीने इसको चालू करने में लगा है। मैं ये आपको मेरी दूसरी जो मैंने 2 कटिंग लगाई थी ड्रैगन फ्रूट की छोटी वाली, उसकी जड़ें दिखा देता हूँ। बड़ी वाली को तो उखाड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसको लगाऊंगा मैं जब दिखा दूँगा आपको। ये देखिए, इसमें मिट्टी में आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, मैं इसको धो के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इसको धो दिया है। ये देखिए, इसमें काफ़ी कटिंग की जो ये बीच वाला डंठल होता है, इसमें ही जड़ें आती हैं। जब साइड में गुद्दा होता है उसमें कोई जड़ें नहीं आती हैं। कटिंग लगानी है तो आपको ये जो वाला बीज वाला डंठल होता है, इसको छोलने कटिंग का ये तरीका आपको दिखाई रखा है मैंने। इसकी कटिंग का जो मैंने लगाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये मैंने इसमें मिट्टी में लगभग 30% कंपोस्ट डाली है। मैंने इसमें 1.5 फुट का खड्डा खोद लिया, उसमें अच्छे से मिट्टी मिक्स कर दी है। ये मेरे पास टेढ़ा बांस था, मेरे पास बांस का पौधा भी है। ये टेढ़ा बांस लगाने वाला हूँ मगर यहाँ पे गार्डन में कोई टायर नहीं लगाने वाला। ये देखिए, मैं इसको अब लगाने के लिए तैयार कर दिया मैंने इसको। मैंने इसमें जो ये आप देख पा रहे होंगे प्राइमर का डब्बा है, पेंट के लिए प्राइमर का, एक कटिंग साइड में रख देता हूँ इसको। ये देखिए, मैंने नीचे से खोल लिया था पूरा ताकि इसको निकालने में दिक्कत ना हो। अब मैं इसको थोड़ा हिला देता हूँ ऐसे 2 बार हाथ को मार लें, ऐसे हिला लें ताकि मिट्टी छूट जाए। अब मैं इसको इसमें रख के इसको थोड़ा दबा के इसको खोलूँगा। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा दबा तो ये नीचे को निकल आया है। पहले मैंने आपको दिखा दिया, आप ये जड़े देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, इसको मैं ढक्कन को साइड में गिरा देता हूँ। इसको नीचे को दबा के इसको उसके मिट्टी के अंदर ही रख दें, फिर मैं इसके साइड से मिट्टी और कंपोस्ट डाल दूँगा। हाँ, ये बता देता हूँ मैं, ये काफ़ी हार्डवुड पौधा है। ये मेरे पास ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, इसका ये तो पता नहीं मेरे पास ये लाल वाला है या पीला वाला है। मैं एक दोस्त के पास से लेकर आया था, उसने भी नई नई फसल लगाई थी, लेकिन उसके पास दोनों वैरायटी के पौधे थे। उसके पापा को पता था कि कौन सी वैरायटी कौन सी लाइन में है, 2 वैरायटी के थे, लाल और पीले इसके पास। तो मैं उसको पता नहीं था, मैं उसके पास से ले आया था ये ड्रैगन फ्रूट की कटिंग। ये छोटी वाली कटिंग भी लगाऊंगा मैं कुछ देर बाद। पहले इसको मिट्टी को अच्छे से कर देता हूँ, दबा देता हूँ, भर देता हूँ इसको साइड से ताकि कोई एयर स्पेस ना रहे। ये देख पा रहे हैं आप कटिंग, ये साइड में ये डंडा है, इसके साथ में चढ़ेगी। ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया है। ये छोटी कटिंग भी लगा दी मैंने इसको साइड में। इसमें पानी डाल दूंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें,
अपना गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए मैंने इसमें पानी डाला था और नीचे सारा पानी चला गया। अब इसमें और पानी डालने वाला हूँ। जो शुरुआत में पानी डाले हैं तो उसको इतना पानी डाल दें कि दूसरी बारिश में पानी डालने की लगभग 20-25 दिन ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड किस्म का पौधा है। ये साइड में जितनी जो मिट्टी है मैं उसमें पानी डालने के लिए ये इसका प्रयोग कर रहा हूँ। मैं इसे नीचे तक पूरी मिट्टी को गीली करने वाला हूँ एक बार, फिर लगभग एक महीना तक मैं इसमें पानी नहीं दूंगा। रेतीले एरिया में होने वाला पौधा है। वीडियो को अच्छी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अपना गार्डन चैनल को। धन्यवाद।